गरीब है, हम लोग वृद्धा पेंशन चाहिए, जिसको वोट देना दे देंगे। इतना अनएम्प्लॉयमेंट है कि लोग ग्रेजुएशन करके भी घर पे बैठे हुए हैं। काम तो कर ही रहे थे लेकिन खाली रोडे या पुल कर रहे हैं, मैंने गरीब पर तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री सुनिए ना सर, ये कहते हैं नीतीश बाबू कि हम 24 घंटा लाइन देते हैं, जखनी लइकन के पढ़ाई होता है शाम के 5 बजे से 7 बजे तक लाइन करता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दी एच डी न्यूज के खास कार्यक्रम का हो के बनी बिहार के मुखिया में, और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। लगातार बिहार के तमाम विधानसभा क्षेत्र से ये कवरेज हम आपके सामने ला रहे हैं और तमाम विधानसभा क्षेत्र से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन विधानसभा क्षेत्र में जनता की क्या है राय, क्या है जनता का मूड, किसे इस बार बिहार के मुखिया के तौर पर जनता देखना चाहती है। तो इस वक्त हम फुलवारी शरीफ विधानसभा में पहुंच चुके हैं और जिस जगह पर अभी मैं मौजूद हूं उसका नाम है गंज पर। तो तमाम ये लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तमाम आप लोग अपने अपने लिए ताली बजा लीजिए, बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का। तो तमाम जनता गंज पर के और फुलवारी शरीफ विधानसभा से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चलिए एक एक करके जानने की कोशिश हम करेंगे कि बिहार के मुखिया के तौर पर तमाम जनता जो इस वक्त मौजूद है वो किसका चुनाव करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष ठाकुर। संतोष जी यहीं से हैं? नहीं, हमारा ठुठुपुर मकान है। क्या करते हैं संतोष? हम अपना दाढ़ी बाल बनाते हैं। अच्छा। और वही अपना बाल बच्चा के खिलाते पिलाते हैं उसी कमाई। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार बिहार का मुखिया कौन होना चाहिए? बिहार का मुखिया जो हमारा होना है से यहाँ नॉलेज सिंह है ना, हमने कहा बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसे देखना चाहते हैं? बिहार के मुख्यमंत्री हमारा लालू जी आने चाहिए। हाँ, लालू जी यादव। अच्छा, उनके हम वोट देना है। क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है कि वोट हमने के लिए सब लिए अच्छा है। हाँ हाँ। नीतीश कुमार नहीं पसंद? नहीं। क्यों नीतीश कुमार क्यों नहीं? वो अभी बहुत अथी किए। अच्छा। क्या नाम है आपका? श्याम नंदन सिंह। क्या करते हैं? हमारा तो होटल है। होटल है, चल रहा है बढ़िया से? नहीं सर, कहाँ चल रहा है, लॉकडाउन लगा यहाँ से कहाँ चल रहा है। बिहार का मुख्यमंत्री कौन हो इस बार? मुख्यमंत्री सुनिए ना सर, ये कहते हैं नीतीश बाबू कि हम 24 घंटा लाइन देते हैं, जखनी लइकन के पढ़ाई होता है शाम के 5 बजे से 7 बजे तक लाइन करता है, सुबह में 5-4 बजता है जखनी से लाइन कर जाता है तो 6 बजे आता है, लइकन कखनी पढ़ेगा, लइकन कखनी पढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो फिर बिजली नहीं मिल रहा है ठीक से? क्या है, बिजली मिल रहा है लेकिन कहाँ समय पर, तो लेकिन के पढ़ाई के टाइम में कट बजे कट जाता है, सो ये घड़ी 7 माने 6:30 में कट जाता है और फिर आता है 8 बजे। तार वार तो दिख रहा है हम लोगों को, इतना जो तार लगा हुआ है नहीं रहेगा तो तार लेकिन पढ़ेगा कौ जी से? गलत का तार है? अरे गलत तार है, गलत आप सोच रहे हैं ना, जैसे लाइन में लिखने के पढ़े के टाइम में सुबह शाम कट जाता है। क्या बदलाव करेंगे आप लोग? बदलाव तो होवे करेगा, नीतीश जी के, नीतीश जी के हाँ हटवे करेंगे, काहे ना हटेंगे। क्या नाम है आपका? ललिन पासवान। क्या करते हैं? हम निर्माण मजदूर से हैं। निर्माण मजदूर हैं। अच्छा, निर्माण मजदूर जी। मजदूरी मिलता है टाइम पर? मजदूरी तो मिलता नहीं है, ऐसे लॉकडाउन में अभी 7-8 महीना होने जा रहा है, कोई सब काम धाम ठप है। इधर में हम लोग के मेरा 4 बच्चा है, 2 बच्चा हैं, सरकारी माने स्कूल कहिए कि पूरा व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुका है, गरीबों के बाल बच्चा के पढ़ने के लिए मुश्किल हो चुका है। कार्यक्रम के चलते किसी को बाधा नहीं पहुंचना चाहिए। मेरा ये कहना है कि ऐसा सरकार न रहे, ऐसा सरकार न रहे जो कि कभी 4 घंटा में लॉकडाउन और 4 घंटा में नोटबंदी है ना, यहाँ बालूबंदी, पूरा गरीब गरीब से लेकर किसान तक अस्त व्यस्त, पूरा मेरा व्यवस्था जो यहाँ पर है बिजनेसमैन अस्त व्यस्त होल है, हमारे बच्चे के पढ़ाई सब खत्म हो चुका है। अगले साल एक बच्ची मेरी परीक्षा देने वाली है, उसका कोई ऑनलाइन पढ़ाई नहीं, हम लोग गरीब हैं कहाँ से ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। कुमार कहे 25,000 रुपये देंगे फर्स्ट करेगी, फर्स्ट करेगी कैसे फर्स्ट करने देंगे गरीब के बच्चा के, पूरा स्कूल व्यवस्था बंद कर दिए हैं,
छिच्छा पूरा में छिच्छा पूरा अस्त व्यस्त है, कैसे वो 25,000 देंगे? कौन गरीब के बच्चा माने पढ़ के पास करेगा इसमें? गरीब के बाल बच्चा हम तो नहीं समझते हैं कि पास करेगा अभी फर्स्ट। बदलाव आना चाहिए, तेजस्वी की सरकार बनना चाहिए, इसलिए कि युवा है, नौजवानों के एक तो बेरोजगारी के भरमार होल है, इसलिए इन्होंने वादा जो तेजस्वी जो किए कि मेरी सरकार बनेगा, गठबंधन के अगर सरकार बनता है तो हम 10,00,000 नौजवानों के नौकरी देंगे, इस पर हम लोगों के बहुत खुशी है, विश्वास हुआ है, और झूठे सरकार हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए नीतीश कुमार, नहीं चाहिए। युवा है सिंह धर्मेंद्र बिहारी। तेजस्वी यादव 10,00,000 नौकरी देंगे इस बार? अवश्य देंगे, बोले हैं तो देवे करेंगे। आप क्या करते हैं अभी? तो हम अभी कलाकार हैं। क्या कलाकार हैं भाई? सिंगर हैं। अरे वाह, गाना सुना दीजिए। एकदम सुना देंगे भाई, गाना सुनिए, जोरदार ताली बजा दीजिए। ठीक है, नैना के नीरस माई धोवब तोर चरनिया हो, धोवब तोर चरनिया हो, सुन ले तू हमारो सनदेशन हो ना, ए माई हो हर ले तू हमारो कलेशन हो ना, कोमल काया हमर निर्मल बनई तू ए माई, बेटा मांगिया चढ़ा में हम के सुतई तू ए माई। बस इतने है। कलाकार आप हैं, बिहार में कलाकारों को इज्जत मिल रहा है क्या? नहीं। जी नहीं, नहीं मिल रहा, कुछ नहीं इज्जत मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। एक तो लॉकडाउन से परेशानी है कि नहीं गाने जाते हैं, न कुछ कर जाते हैं, काम धंधा भी एकदम सब ठप है। आप अपना रोजी रोटी कैसे चलाते हैं? कैसे चलाते हैं, कभी इन्हें होने का जो पैसा है जो है वो खत्म हो गया, तो ऐसी इस बार चेंज कीजिएगा? इस बार तो एकदम निश्चित है कि चेंज होगा। तेजस्वी सरकार इस बार फुलवारी प्रखंड से हमारे ये क्या बोलते हैं गोपाल रविदास खड़ा है, 3 तारा को वोट बटन दबाना है और तेजस्वी यादव को उनको सरकार बनाना है बिहार में, ये तय है। क्या नाम है? राहुल कुमार। राहुल जी, हाँ, क्या करते हैं? हम अनुसूचित जाति का, ठीक ना है, उसे बिलोंग करते हैं और हम हार्डवेयर नेटवर्किंग का वर्क करते हैं। दारू मिल रहा है बिहार में अभी भी दारू मिल रहा है बिहार में? वो तो बता नहीं सकते, मिल ही रहा है, वो हम बता नहीं सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। शराब का नहीं हुआ अभी भी मिल रहा है? जी सर, दो चार बोतल ला देंगे यहाँ से। जी सर, बस सर खाली कागज पर, हाँ ठीक, कागज पे बंद है। हम कह रहे हैं वो गवर्नमेंट बीजेपी का हो चाहे आरजेडी का हो चाहे जो भी हो, बिहार गवर्नमेंट में चाहे वो उच्च स्तरीय मतलब सेंट्रल का हो चाहे जो भी हो, लेकिन कहने का मिला एक ही वर्ड है, अपने आप में नहीं बनता है तो गवर्नमेंट का लेकर बैठे हैं, पहले आप छोड़िए तो गवर्नमेंट आपको सुनाएगा, बोले गलत कर रहे हैं तो है? लेकिन एक ही हम बात कहेंगे, गवर्नमेंट का एक ही लेके हमको शिकायत है, जो प्राइवेट सेक्टर में वर्क करता था माली हो। अच्छा, आप रही, आप सुनी ना बाबा, क्या नाम है? हम तारा पासवान। तारा पासवान जी, हाँ। तारा जी, कमाई करते हैं जोर, क्या चीज का? वही रोज मजदूरी में करते हैं सर। कितना कमा लेते हैं? कितना का रोज कमाते? काम होते कहाँ? हाँ, दूसरों को ज्यादा काम बंद है ना। बताइए कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? अब देख जी, ठीक है जी। हमारा तो लगे कि लालू यादव को दे दी कहा जी, अभी जी पैर खबरदार ना दी। लालू यादव को कहा है? सुन, आज लालू यादव का ना? अच्छा ठीक है, अपना मन से बताइए आप। मन हम गलती बोल देखना, लालू यादव तो तेजस्वी यादव को बनाना चाहते हैं। अच्छा, नामो तो ना जाने, कोशिश खड़ा हाथ है। क्या नाम है?
राजन विश्वकर्मा क्या करते हैं? गेट ग्रिल का काम करते हैं। गेट ग्रिल का काम करते हैं की पटना जाते हैं फुलवारी ब्रह्मपुर। क्या लगता है इस बार जनता का क्या मूड है, चूँकि आप मजदूरी करते हैं ये करते हैं, जनता का इस बार का क्या मूड? अब वो हल्ला तो मचल है कि रश्मी यादव। आपका पसंद कौन है? आपका हमारा पसंद है, जैसा सबको कहेंगे वैसा होगा, हमारा कहे से तो होगा नहीं। नीतीश कुमार काम कर रहे हैं नहीं? काम तो कर ही रहे थे लेकिन खाली रोडे या पुल कर रहे हैं, मैंने गरीब पर तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान नहीं, नहीं जा पर गरीब पर कौन ध्यान दे रहा है? गरीब पर कौन ध्यान दे रहा है? गरीब पर कौन गरीब पर हाँ दे रहे हैं सर? उधर हाँ चाची कौन बोल रहे थे, आइए इधर। मेरा नाम सत्यम कुमार है सर, मैं इसी मुसारी में रहता हूँ। मुसारी में यहीं पर रहते हैं? हाँ, 12 तक पढ़े हैं। तक कहाँ से पढ़े हैं सर? पटना से पढ़े हुए हैं सर, और आज हम अंडा का दुकान खोले हुए हैं सर। हम सरकार का ध्यान खींचना चाहते हैं सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर। आज सरकार लाखों करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रही है, जैसे सरकार बना रही है रोड बना रही है, यहाँ हम पुल बना रही हैं, लेकिन उनका ध्यान गरीबों पे नहीं है। वो नहीं देख रहे कि हमारा जात मूसर समुदाय कितना पीछे है। मूसर समुदाय को क्या फ़ायदा होगा ये रोड बढ़िया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च कर। वो देखें कभी कि गरीब का घर टूटा हुआ है, घर में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, घर पर छत नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है। जब बारिश होता है तो लोगों के घर में कितना घर में पानी टपकता है, लोग पूरा रात घर के कोने में बिताते हैं वही जग कर। उनका ध्यान तो इस तरफ नहीं है, उनका ध्यान है बड़े बड़े जातों पर, बड़े बड़े बिजनेसमैनों पर, बिजनेसमैन समुदायों पर। जैसे वो लाखों रुपये खर्च करते हैं रोड पर, उसका क्या ज़रूरत है? उनसे थोड़ा सा फंड गरीबों को दे दें। जैसे गरीब में देखिए झोपड़पट्टी है, सबके यहाँ वहाँ झोपड़पट्टी है। जितने मूसर समुदाय है, जोन मूसर समुदाय में जाइए, जहाँ मूसर टोली में जाइए आप, वहाँ देखिए उन लोगों का रहने का तरीका कितना गंदा है। आपको वहाँ का रहने का स्टाइल देखिए उन लोग का, उन लोग का घर सर बहुत टूटा हुआ मिलेगा। घर में गेट नहीं होगा, रहने के लिए घर नहीं है। चाह रहे हैं कि इस बार सरकार बदलना चाहिए? सरकार बदलना चाहिए, उनसे अच्छे तो हमारे लालू प्रसाद यादव जी थे जो गरीबों के लिए उसको सोचते थे, घर घर जाकर लोगों को घर बनाए। जितना भी घर मूसर समुदाय का बना हुआ है आज उन्हीं का देन है। नीतीश जी इस बारे में कुछ नहीं सोचते हैं वो। हम चाहते हैं और उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि थोड़ा सा गरीबों पर ध्यान दें। वो उन पे तो उनको और कुचलने के चक्कर में है। दारूबंदी हुआ, बहुत बंदी हुआ, गरीबों पर अत्याचार का, ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ। इतना अनएम्प्लॉयमेंट है कि लोग ग्रेजुएशन करके भी घर पे बैठे हुए हैं। शराब बंद हुआ कि शराब अभी भी मिलता है? शराब है, शराब तो इसे बंद है सर, ये तो बंद है, लेकिन बंद है शराब तो बंद है सर, लेकिन उनको थोड़ा सा गरीबों पे ध्यान देना चाहिए। मैं फिर से जुड़ूंगा, महिलाएं भी यहाँ हमारे साथ है। कहा चाची क्या नाम है? कहा है अब हम रामोसमात आदमी, हमारा राशन का राशन न मिले है ना, वृद्धा पिलसिन हमारे मर्दाना के 12 साल मरला हो गलक, नेता मुखिया कोई साथ न देवे है ना, जैसे राशन का राशन दे। अब वोट लेवे लगी कहा है कि हमारे दा है तो खाली वोट लेवा आ खाए लगी ना देवा कुछ हमारा न देवे। ठीक है वोट जिनका जैसे देवे ला रहती ओकरा दे ही देवे, तो सबसे बता दी कि हम किनका दे दी, बतावे से ना होता है। पसंदीदा तो है ना चाची की, पसंद के हाँ आए राशन कार्ड न मिलक ना वृद्धा पिलसिन सब तो कहता है कि सब चीज हम लोग दे दिए गरीब को, दे दल किया सब चीज तैका भूखले मरते ही ला। हमारा बेटा न भतार है कोई नहीं है रामोस माती और मर्दाना का 15 साल मरला हो गया लखे कोई दे लखे बे ना दे लखे ना दे सब खाली कह देवे कि देवे दो आ देवे ना करे बे। तौर पर इस बार देखिए हम इस वक्त
आपको बता दें कि फुलवारी शरीफ विधानसभा से यह कवरेज लगातार हमारी जारी है, बहुत जनता इस वक्त हमारे साथ है। हालांकि लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा आपको मिले। आइए इधर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है जी? मुन्ना नाम है, मुन्ना रविदास नाम है। मुन्ना जी कहाँ से है? मुन्ना अलीपुर से। दारू का पेंशन मिलता ना घर द्वार, ना घर द्वार के सब टेंशन है, ना घर द्वार है। हम लोग विकलांग है, हम लोग नहीं मिला अभी तक, कुछ नहीं मिला। किसी के पास गए थे मदद मांगने के लिए? मदद मांगे गए थे तो कहता कि उसको 5,000 दो, उसको 10,000 दो, घुस दो तो ईश्वर मिलेगा। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश कहाँ से है? ओम प्रकाश खड़िया से। हाँ यही रहते हैं। बताइए क्या चाहते हैं इस बार? जी सर, हम यहाँ चाह रहे हैं कि हम लोग का इस्माइलपुर कॉलेज है जो त्रिमूर्ति कॉलेज, त्रिमूर्ति कॉलेज से लेकर कब्रिस्तान तक रोड बन जाना चाहिए, और नए सरकार से हम यही उम्मीद करेंगे। और सरकार मतलब ये सरकार अच्छी है, और उम्मीद करते हैं कि अगर इस्माइलपुर कॉलेज से लेकर और खड़िया कब्रिस्तान तक अगर रोड बन जाए तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम पूरे बिहार के वासी से हम पढ़े साथ साथ नमन करते हैं, ठीक ना? और माननीय मुख्यमंत्री हो चाहे विपक्ष हो चाहे जो भी हो, एक के बाद हमको कहना है कि हमारे फुलवारी विधानसभा में 25 साल से हम रह रहे, बोलो बोलो, 25 साल 20 साल के आसपास में श्याम रजक भी कार्यकाल में रहे, लेकिन आज तक एको कार्य नहीं किया। ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात आए, उस क्षेत्र शहरी क्षेत्र में काय किए उस हमको मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग भी यहाँ ग्रामीण क्षेत्र का युवा हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में एको वर्क नहीं हुआ है, तो हमको शहरी क्षेत्र से क्या मतलब है? कहे ना हम जहाँ का जन्म लिए वहाँ से कोई कार्य नहीं हुआ, हम उसी का नवागे हैं, है? लेकिन उन लोग में क्या है, उबड़ खाबड़ रास्ता है, आदमी रात बिरात के बीमार पड़ जाए, लोग मर के जाए, है? चाहे खटिया पे टांग के जाए, उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक ना? सुनिए ना, जब आइए यहाँ, आइए बाबा यहाँ आइए। क्या नाम है बाबा आपका? मान नाम तो हमारा सहदेव राय। आए सहदेव राय। सहदेव राय क्या करते हैं? सहदेव मैं करते हैं क्या, गरीब आदमी क्या करेंगे, कुछ करना है धरना, कुछ काम ड्यूटी में कुछ है, गरीब आदमी कुछ गरीब आदमी क्या करते हैं? हर वृद्धा पेंशन हमको जो गरीब को आदमी के वृद्धा पेंशन चाहिए, आपका चाहिए, अब जिसको वोट देंगे उसको हमको देना चाहिए, जिसको कहे तस्वीर के देंगे। विकास पहुंचा है आप? है विकास आया नहीं? विकास पहुंचा है यहाँ तक? विकास कहाँ पहुंचा है? नहीं पहुंचा है, तब को लोग चाहिए। हम लोग गरीब आदमी हम लोग को वृद्धा पेंशन मिला था ना, कोई कमाई हम लोग का है, कोई ड्यूटी है? गरीब आदमी हम लोग को वृद्धा पेंशन चाहिए, जिसको वोट देना दे देंगे, लेकिन हमको वृद्धा पेंशन चाहिए बस। नीतीश कुमार के काम से खुश हैं आप अगर हम आपसे पूछें? नीतीश कुमार से खुश कैसे हैं? नीतीश कुमार का किया? कुछ दारू नहीं बंद कराया, कुछ नहीं कराया, नीतीश कुमार खुश है? जादूगर नहीं जी, हम लोग लल्लू यादव हैं, वो भी कुछ काम नहीं किए हैं, झूठ क्या लगाएंगे, काम हम लोग किए हैं कुछ, वो भी नहीं किए हैं। एक तो बेचारा ये जो है ये मोदी सरकार, ये तो बेचारा कुछ काम किया है, किसी को पैसा दिया, किसी को का किया नहीं किया, वो तो कुछ कराया है, लेकिन और कौन किया है? लेकिन हम वोट दे जिसको देंगे, वोट दे देना देंगे। चलिए बोला, हाँ रुकिए, क्या नाम है आपका? अजय मांझी मेरा नाम हुआ। मांझी जी जी, क्या करते हैं? हम तो ऑटो चलाते हैं सर। ऑटो चलाते कहाँ कहाँ? नहीं मेरा ऑल बिहार चलाता हूँ मैं, हाँ, और मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता, हाँ, इस पंचायत का मुखिया चुनाव भी लड़ चुका हूँ मैं। आपका क्वेश्चन करिए। अरे कौन है लड़का? आप क्वेश्चन करिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बिहार में क्या इस बार लगता है कि बदलाव होगा या नीतीश कुमार ठीक? नहीं निश्चित रूप से बदलाव होगा, 15 साल हो गया है सर, और ये 15 साल किसी भी सरकार के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, मुख्यमंत्री बतौर पीछे हुआ, किसी भी मुख्यमंत्री के लिए 15 साल हम समझते हैं कि काफ़ी हुआ है। आप देखे होंगे पटना में जो बारिश हुई, जो बारिश पटना में हुई, 2 दिन की बारिश में 15 साल का विकास दिख गया, तो हम नहीं समझते हैं कि अब नीतीश कुमार जी की आवश्यकता है, इसीलिए मतलब जो होना चाहिए
जो विकास 15 सालों में होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हो पाया है। दो दिन की बारिश में 15 साल का विकास आपको दिख जाता है, पूरा पटना डूब जाता है, क्या उसे आप विकास मानते हैं? हम नहीं समझते हैं कि ये विकास है। तो ये विकास कौन लेकर के आएगा बिहार में, विकास कौन लेकर के आएगा? निश्चित रूप से जो नई सरकार होगी उसके पास वो विकास लेकर है। देखिए अब जो है, पहले क्या था, नरसंहार अपहरण जो भी होता था उस पैटर्न को आप बिल्कुल भूल जाइए, उसमें कहीं कोई ये नहीं है। अब क्या है, विकास का कंपटीशन हो रहा है। नीतीश जी तो आए, कुछ काम किए हैं, लेकिन जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। लेकिन अभी जो सरकार आएगी वो निश्चित रूप से इससे ज़्यादा विकास करेगी। आपको लगता है कि नीतीश जो अभी सरकार आएगी वो काम करेगी? आप इधर आ जाइए, हमारे फ्रेम में आ जाइए। क्या नाम है सर आपका? मेरा अनिल पासवान नाम है। क्या करते हैं अनिल? मजदूरी करते हैं, और क्या करेंगे। बताइए कि क्या लगता है आपको, बदलाव जरूरी है या नीतीश कुमार ठीक? नहीं नहीं, बदलाव तो होना है, क्योंकि इसलिए श्याम रजक 10 साल रहे, 15 साल राजद में रहे, 10 साल इनको में रहे, आज तक कुछ हुआ नहीं। ठीक, अभी भी आज तक कुछ नहीं हुआ, समझ गए। इसलिए अभी तेजस्वी सरकार अभी बनाना चाहिए, इनको बनाना चाहिए कि आने वाला समय में कुछ काम करें। हाँ, क्या खामियां लगता है आपको तेजस्वी यादव में कि नीतीश कुमार में कि वो नहीं कर पाए 15 सालों? हाँ, नल जल इतना करें कि आप, कोई गरीब के पानी नहीं जा रहा है, कोई कुछ नहीं है, साथ नीचे कहें कि हम गरीब को पानी देंगे, ई देंगे, आज तक पानी कोई के पहुंचता है, कोई के पहुंचता नहीं। बताइए, बनल चीज सब रोड टूट टूट के खराब हो रहा है, कि बाइक जाने के लिए नहीं है। अभी गाँव में बन रहा है, जाना चाहिए साइड से तो ले जाता है बीचे से, सब रास्ता मैंने ब्लॉक होल है, ये सब साथ नीचे के खाली नाम है, 14 लाख कुछ नहीं, कोई के पास पानी जाता है, कोई के पास पानी नहीं जा रहा है, ये सब खाली लूट खसोट का काम है, साथ नीचे खाली नाम है कि हम गरीब के भलाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ नहीं होता, खाली बोल के कुछ। बदलाव इस बार होगा? हाँ, बदलाव होगा। क्या नाम है आपका? विनय सिंह। विनय सिंह जी, क्या लगता है बदलाव इस बार होना चाहिए? उम्मीद तो कम है सरकार जी। नीतीश कुमार हम जा रहे हैं ना, हो गए, कोई है नहीं, कोई जुगाड़ नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं, किसान हो गया सरकार जी, ऑप्शन नहीं, नहीं ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए हाँ, कोई नहीं होगा, देखिएगा हम यही, देखिएगा हम सही होगा, हम बोल दे वही होबे करेगा सरकार जी। मुख्यमंत्री बना देवल जाएगा, अभी मुख्यमंत्री पे घर बना, सरकार जी कोई नहीं होगा, कोई नहीं हो सकता है। हाँ देखिएगा, हम ठोक दे ना वही होगा। क्या नाम है? बहादुर प्रसाद। बहादुर प्रसाद। बहादुर क्या करते हैं? यही कुछ गरीब आदमी कुछ ही करेंगे। नीतीश कुमार रहेंगे कि बदलाव होगा? हाँ, कोई हो जाए, जिनका हो जाएगा ना, मतलब वही वृद्धा पेंशन का जुगाड़ हो जाए हम लोग के। आपके क्षेत्र तक में विकास पहुंचा है क्या? विकास आया? सब ठीक है, पहुँच जाएगा। हाँ, ये देखिए कि इस वक्त हम फुलवारी शरीफ के जनता के बीच है, हमारा ये खास कार्यक्रम द एचडी न्यूज का कहो के बनी बिहार के मुखिया में इस वक्त आप फुलवारी शरीफ की जनता को सुन रहे थे कि फुलवारी शरीफ की जनता आखिर क्या चाहती है। लगातार तमाम बिहार के विधानसभा क्षेत्र से हम लगातार ये आपको कवरेज दिखा रहे हैं कि आखिर इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव यानी 2020 में जनता का मूड क्या है, क्या जनता फिर से बदलाव चाहती है या फिर नीतीश कुमार ठीक है। लगातार ये कवरेज हमारी जारी रहेगी तमाम विधानसभा क्षेत्रों से। अभी के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे इस खास कार्यक्रम का हो के बनी बिहार के मुखिया में। नमस्कार। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लेंथ और अटूट इंटरनल लॉक्स, आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।